आंट जेनिफर टाइगर्स, आंट जेनिफर टाइगर टेक्स्ट आपको पढ़ा चुकी हूँ, और यहाँ पे देखिएगा इंट्रोडक्शन एंड थीम। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन और इसकी थीम पढ़ लेते हैं कि इसके अंदर क्या है। इंट्रोडक्शन एंड थीम है, आंट जेनिफर टाइगर इज अ आंट जेनिफर टाइगर इज अ पोएम फुली रिप्रेजेंटिंग एंड रीन रिच आइडियाज एज वेल एज हर कॉन्सेप्ट ऑफ आइडिया ऑफ आर्ट। This is also an autobiographical poem that reflects the deep recesses of Andrine's rich mind and also the social mold in which he was thrown, as a result of which she gives full vent of to her feminist feelings in Aunt Jennifer Tigers. First important theme to be running in the poem is the male-dominated society, which leaves women with no choice but marry. पहली बात ये कि यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट थीम है जो कि इस पोएम के अंदर हमने देखा है कि एक मेल डोमिनेटेड सोसाइटी जो कि औरत को लीव कर देती है विद नो चॉइस बट मैरी, कि औरत के पास कोई चॉइस नहीं रहती लेकिन उसको सिर्फ शादी करना होती है, एंड बी रिजाइन टू हर फेट, और उसको अपनी फेट यानी कि उसकी फुल ऑफ फ्रीडम लाइफ से रिजाइन करना पड़ता है, वट एवर इट इज एंड वॉन्ट्स वीमेन टू बी हश रिगार्डिंग हर राइट्स और वट एवर इट इज, और ये इसी तरह होता है एंड वॉन्ट्स वीमेन टू बी हश रिगार्डिंग हर राइट्स, और वुमेन को ये कहा जाता है कि वो अपने राइट्स छोड़ दें। वीमेन आर टेकन एज नथिंग बट कॉमोडिटी टू बी पोजेस्ड बाय अदर्स, वीमेन को कुछ भी नहीं समझा जाता बल्कि उसको एक कॉमोडिटी समझा जाता है जो कि दूसरे उसको पोजेस करते हैं। They are projected to be having no emotions of their own, and so they must be dominated by supreme authority of man. The poem also shows the urge of women to break away the above shackles laid down by society for her and fulfill her desires of freedom. The tigers also represent art, which has permanent value as compared to the short-lived life of the artist. Tigers jo hai wo represent karte hain art ko, जो कि उनकी एक परमानेंट वैल्यू है। मैंने अभी आपको बताया था टेक्स्ट के अंदर ही जो लास्ट स्टैंजा उसका है वो बेसिकली आर्ट वर्सेस रियलिटी है, कि जो आपकी रियल लाइफ है वो तो शॉर्ट है लेकिन आर्ट जो होता है ना वो परमानेंट होता है। जो चीज आपने बना दी एक तस्वीर के अंदर और आर्ट फॉर्म में वो आ गई वो परमानेंट है, एज कम्पेयर टू द शॉर्ट लिव्ड लाइफ ऑफ द आर्टिस्ट हु डाइज बट हूज आर्ट रिमेन्स इन द वर्ल्ड। आर्टिस्ट तो मर जाता है, जैसे एंड में हम देखते हैं कि आंट जेनिफर तो उसकी डेथ हो जाती है लेकिन उसका आर्ट जो है वो इस दुनिया में जिंदा रहता है। आंट जेनिफर टाइगर्स इज अ फाइन एग्जांपल ऑफ फेमिनिस्ट पोएट्री व्हिच होल्ड्स अ बैनर ऑफ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द पैट्रियार्कल सोसाइटी, और आंट जेनिफर टाइगर जो है वो एक फाइन एग्जाम्पल है ऑफ फेमिनिस्ट पोएट्री की जो कि होल्ड करते हैं अ बैनर ऑफ प्रोटेस्ट, एक बैनर ऑफ प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस पैट्रियार्की, ये जो मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है उसके खिलाफ एक बैनर ये होल्ड किए हुए हैं। क्रिटिक देख लेते हैं ऑफ आंट जेनिफर टाइगर, इंट्रोडक्शन देखिएगा यहाँ पे। आंट जेनिफर टाइगर इज अ फाइन एग्जांपल ऑफ फेमिनिस्ट पोएट्री विद इम्पीरियलिस्टिक एंड साइकोलॉजिकल टेंशंस ऑफ द 20th सेंचुरी इन विच स्पेशली वीमेन फाइंड देमसेल्व्स एज इनसिक्योर and afraid of patriarchal social authority. This is also a visionary poem which dreams of a happy and fearless life free of male domination, which may give equal and parallel opportunities to the womankind so that they can progress without being hampered by the social male constraint. Aunt Jennifer appears as a symbol of the oppressed woman. Aunt Jennifer ko appear hoti hai is poem ke andar kaise, jo ki ek oppressed woman hai, एक ऐसी वुमेन जिसके जज्बात को दबा दिया गया है, एंड ऑल्सो द नेशंस डोमिनेटेड बाय इंपीरियलिस्टिक पावर्स, और वो सिंबलाइज ऐसी नेशंस को भी करती है जो कि इंपीरियलिस्टिक पावर्स जो है जो कि इंपीरियलिस्टिक पावर्स की वजह से डोमिनेटेड हो चुकी है, यानी कि इंपीरियलिस्टिक पावर्स ने उनको नेशंस को दबा लिया। अब यहाँ पे थीम ऑफ इंपीरियलिज्म कैसे आती है, आप देखें अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, इम्पीरियलिस्टिक पावर है ना अमेरिका, और उसने उस नेशन को वो उस नेशन के ऊपर डोमिनेट हो चुकी है। तो एक होता है डोमिनेटिंग जो डोमिनेट करती है, एक होती है डोमिनेटेड जो गुलाम बन जाती है। तो नेशंस को गुलाम बना लिया है इन इम्पीरियलिस्टिक पावर्स ने, दो इसके मीनिंग्स आ रहे हैं, एक औरत को गुलाम बना लिया किसने, पैट्रियार्कल सोसाइटी ने, और दूसरा नेशंस को जो है गुलाम बना लिया इम्पीरियलिस्टिक पावर्स ने।
poem also shows the routine life of a woman anywhere in the world. Jennifer, like any woman, is sitting embroidering her screen, maybe for her marriage, is thinking about her future and household duties followed by it. Her end of life is also similar and reminiscent of a woman's common lot. The poem is packed with number of themes, images, symbols, and various stylistic marriage which we may discuss as under development of thought. Dekh lete hain. Fight for their rights. They do not fear the men beneath the tree. They pace in sleek chivalric certainty. Sabse pehle hum dekhte hain ki her fight for the right. That is the theme. Ki aurat ki fight for right. Ki they do not fear the men. Kisko ki baat kar rahe hain? Wo tigers jo hain, wo mardon se darte nahi hain, jo ki beneath the tree khade hue hain. They pace in sleek chivalric certainty. Aur wo chalte kaise? जैसे उनकी सोल्जर्स लुक हो, जैसे उनकी करेजियस लुक हो, जबकि आंट जेनिफर की ऐसी करेजियस लुक नहीं है। आंट जेनिफर्स टाइगर्स इज आल्सो आयरोनिक बिकॉज मोस्ट ऑफ द वीमेन इश्यूज इमर्ज नॉट मेनली ऑफ मेल डोमिनेशन बट बिकॉज ऑफ देयर ओन अर्ज टू गेट देमसेल्फ फ्री। आंट जेनिफर टाइगर आयरोनिकल भी है क्योंकि बहुत सी औरतों के अंदर ये इश्यूज होते हैं कि नॉट मेनली बिकॉज ऑफ मेल डोमिनेशन, इस वजह से उनका इश्यू नहीं होता कि मेल डोमिनेशन है, बट बिकॉज ऑफ देयर ओन अर्ज टू गेट देम फ्री, उनकी अपनी अर्ज होती है कि वो चाहती हैं कि हम एक फ्री लाइफ गुजारें। ठीक है, वो खुद ये चाह रही होती हैं। ये और बात है कि हम औरत की फ्रीडम के नाम पे बहुत कुछ गलत भी कह जाते हैं, लेकिन इनफैक्ट औरत खुद नहीं चाह रही होती कि वो बच्चे पाले, वो घर के काम करे। Anything, हम क्या कहते हैं, मैंने कल बात की ना कि अगर कोई हाउस वाइफ है तो आज की पढ़ी लिखी लड़कियां क्या कहती हैं हाउस वाइफ को, टिपिकल हाउस वाइफ है। What do you mean by this typical? मुझे आज तक ये बात नहीं समझ आई। कभी किसी ने कहा है कि टिपिकल जॉब होल्डर है? Why we are using typical housewife है? क्या हमारी माएं वो टिपिकल हैं? कभी ये सोचिएगा, जब हम ये बात कर देते ना टिपिकल हाउसवाइफ, मुझे पसंद नहीं है कि मैं टिपिकल हाउसवाइफ बनूं और मैं बच्चे पालूं और मैं घर के काम करूं, मेरे अंदर तो ये स्टैमिना ही नहीं है। और ये हम बड़ा ही जैसे ऐसे कह रहे होते हैं जैसे ये पता नहीं कितने हमारे लिए एक ऑनर की बात है कि जी मैं घर का काम करना पसंद नहीं करती। और मुझे आज तक ये चीज समझ नहीं आई कि इसमें गलत क्या है, इसमें गलत क्या है। एक्चुअली वही हर इंसान जो है ना वो चाह रहा होता है कि वो एक ऐसी लाइफ गुजारे जिसके इर्द गिर्द कोई रिस्ट्रिक्शन ही ना हो, आजाद छोड़ दिया जाए। बच्चे ये चाह रहे होते हैं माँ बाप हमारे ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन इम्पोज ना करें, बीवी ये चाह रही होती है मेरा शोहर मेरे ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन इम्पोज ना करे। और वो हाउस होल्ड एक्टिविटीज को क्या कहती है, दीज आर द टिपिकल, शायद ये कोई थर्ड क्लास काम है, मतलब बर्तन साफ करना और झाड़ू पोछा करना। ठीक है, क्या मैं इन्हीं चीजों के लिए रह गई हूँ, क्या मैं सिर्फ बच्चे पालने के लिए रह गई हूँ? दैट इज द टिपिकल, मैं तो यही कहूंगी दैट इज द टिपिकल जो थॉट है वो एक या टिपिकल सेंस है वो एक औरत की है कि अगर वो ये इन चीजों को वो टिपिकल कहती है, हालांकि ये टिपिकल नहीं है। ठीक है, दैट इज नॉट द थर्ड क्लास के जी टिपिकल हो गया, जिसने करना होता है ना वो घर भी बहुत अच्छा मैनेज कर लेती है और जॉब भी बहुत अच्छी कर लेती है, ना तो वो घरेलू तौर पर टिपिकल बनती है ना ही वो जॉब के। टिपिकल इंसान अपनी सोच की वजह से बनता है, अपने काम की वजह से नहीं बनता। ठीक है, ये चीज हमेशा याद रखिएगा, हम टिपिकल बनते हैं अपनी सोच की वजह से, अपने काम करने की वजह से नहीं। ठीक है, दो मेल डोमिनेशन ओवर वीमेन इज अ फैक्टर, येट इट इज देयर डिजायर टू फॉरगेट देयर फेमिनिस्टिक फीचर्स एंड बिहेव लाइक मैन और बिकम मैन लाइक। अब दूसरी तरफ देखा जाए, एक तरफ तो औरत ये चाह रही है कि जी हमें आजाद छोड़ दिया जाए, दूसरी तरफ मेल डोमिनेशन क्या है ओवर वीमेन इज अ फैक्टर येट, कि मेल डोमिनेशन वीमेन के ऊपर भी एक फैक्टर है, येट इट इज देयर डिजायर कि वो ये चाह रहे होते हैं To forget their feministic features, कि औरत अपने feministic features भूल जाएं और वो भी मर्दों की तरह जीना शुरू कर दें और become like men. Aunt Jennifer Tiger is a fight for equal rights. Aunt Jennifer wishes for a tiger's life free of jungle law, where she may define the law and lay restrictions and scope for womankind.
और आंट जेनिफर विश करती है कि उसको भी एक टाइगर्स लाइफ मिले जिसके अंदर ये जंगल लॉ ना हो, वेयर फ्री ऑफ जंगल लॉ, वेयर शी मे डिफाइन द लॉ, जहां पे वो डिफाइन करे लॉ को और ले करे रिस्ट्रिक्शंस को और स्कोप ऑफ विमेन काइंड, विमेन काइंड के स्कोप को वो बढ़ाए. शी ब्रेक्स अवे फ्रॉम द 20th सेंचुरी ट्रेडिशन इन विच वुमेन इज नॉट नथिंग बट अ सेक्स सिंबल. Her prancing tigers exhibit her desire to let loose her ambitions and materialize them. उसके जो prancing tigers हैं, वो exhibit करते हैं जो उसकी wish है, उसकी desire कि वो अपने ambitions में अपने आप को lose कर दें and materialize them. और वो उनको materialize करना चाहती थी, वो अपने आप को अपने ambitions में गुम करना चाहती थी और उनको materialize करना चाहती थी. Women be the American or Pakistani are propagating against men and want to break away from the secure circle they have laid about them. But I fail to understand what equal right these women are striving to find because they already possess the right they must have. I personally believe that most of the tension of women are not created by men but by themselves. पर्सनली औरत की जितनी टेंशन होती हैं वो मेन की वजह से क्रिएट नहीं हुई होती बल्कि उनकी अपनी सोच की वजह से होती है. इट इज द वीमेन हु वांट्स टू प्ले द रोल ऑफ मैन. दे हैव फॉरगॉटन देयर सेंस ऑफ वीमेनहुड. दे डू नॉट नो इट मींस टू बी अ वीमेन. दे थिंक दे कैन बी रिप्लेस मैन एंड दे डू नॉट ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट गॉड डिड नॉट क्रिएट मैन एंड वुमेन इक्वल. औरत ये जानना ही नहीं चाहती कि अल्लाह ताला ने क्रिएट किया है मैन और वीमेन को इक्वल, क्रिएट किया ही नहीं. ठीक है, दे आर फिजिकली इमोशनली डोमेस्टिकली एंड सोशली एज डिफरेंट एज टू पोल्स ऑफ द वर्ल्ड. गॉड क्रिएटेड वीमेन इक्वल इन टर्म्स ऑफ देयर रेफरेंस स्टेटस एंड इम्पोर्टेंस बट द प्रॉब्लम इज दैट वीमेन डोंट वॉन्ट टू एक्सेल इन सेकेंड प्रायोरिटी ऑफ डिवाइन क्रिएचर रादर दे वॉन्ट टू इम्प्रूव इन द फॉर्मर एस्पेक्ट. That is why they are mistaken and that is what destroys them in society. And it is unnatural desire. It is actually the women themselves are responsible for their sense of inferiority and male domination. Ab is paragraph ke andar aapko kya bataya ja raha hai? Dekhiye, maine aapko ek misal di thi ki aurat ke andar ek instinct hai. Ek choti bachchi ko dekhen. किसके साथ खेलती है? गुड़ियों के साथ खेलती है, बर्तनों के साथ खेलती है. यानी कि औरत के अंदर अल्लाह ताला ने ये खासियत रख दी है. जब वो उस नेचुरल चीज के खिलाफ जाती है ना, तो एक्चुअली वो खुद ही मेंटली डिस्टर्ब हो जाती है. औरत के अंदर एक चीज है कि वो अपनी फैमिली से बहुत ज्यादा प्यार करती है, वो अपने बच्चों से बहुत ज्यादा प्यार करती है, बेशक वो जितनी मर्जी प्रोफेशनल हो जाए. और जब उसके बच्चे को चोट लगती है या उसका बच्चा बीमार हो जाता है, तो अल्टीमेटली वो फ्रस्ट्रेट हो जाती है क्योंकि उसको अपनी जॉब भी करनी होती है और उसको बच्चा भी देखना होता है. और बच्चे की तकलीफ उससे बर्दाश्त नहीं हो रही होती और जॉब भी वो इसलिए करना चाह रही होती है क्योंकि वो मैनली जीना चाहती है. आपको एक छोटी सी चीज बताती हूँ कि मैंने आपको शायद पहले भी बताया था कि औरत जो है उसका जो टाइम पीरियड है ना कमाने का या वर्कआउट करने का, दैट इज 40 to 45 years. उसके बाद औरत कमजोर हो जाती है. अगर आप कभी बड़े बड़े ग्राफ्स उठा के देखें MBAs में या कोई ग्राफ्स उठा के देखें ना जिसमें मेल और फीमेल की वर्किंग देखनी हो, या उसमें मेल जो है वो तकरीबन 65 to 70 years काम करता है, 75 years भी काम करता है, लेकिन औरत का जो ग्राफ है ना वो 35 years के बाद या 40 years के बाद गिरना शुरू हो जाता है. यानी कि औरतें कम काम करती हैं 40 to 45 years के दरमियान और उसके बाद बिल्कुल खत्म. ठीक है, तो उस 45 years तक या तो उसने बच्चे पालने होते हैं या वो प्रोफेशनल लाइफ गुजारती है. तो ये उसकी एक अननेचुरल डिजायर है कि अल्लाह ताला ने उसको औरत बनाया और वो मैन की तरह जीना चाहती है. हमारी इंस्टिंक्ट और है. अल्लाह ताला ने औरत को नाजुक बनाया है, औरत को हसास बनाया है, इमोशनल बनाया है. That's why हम बहुत जल्दी डिसीजन नहीं कर सकते ना. औरत की डिसीजन पावर मर्द की डिसीजन पावर से बहुत कम है. इवन मर्द का जो दिमाग का वेट है और औरत का दिमाग का वेट है उसमें बहुत फर्क है. ठीक है, मर्द के दिमाग का वेट ज्यादा है एज कम्पेयर टू औरत का दिमाग. औरत के अंदर नसियान का मादा ज्यादा है, जल्दी बातें भूल जाती है. ठीक है, उसको नहीं याद, लेकिन मर्द जो है वो कैलकुलेशन बहुत अच्छी कर लेते हैं. तो ये बहुत सारी चीजें हैं. इसी तरह से औरत जो है इमोशनली वीक होती है और एक जॉब करने के लिए आपको इमोशनली बहुत स्ट्रांग होना पड़ता है. तो जब आप नेचर के खिलाफ जाते हैं ना, तो एक्चुअली आप खुद ही फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं.
दैट इज द थिंग, मैं इसीलिए कहती हूँ ना कि अल्लाह का शुक्र अदा किया करें कि हम खवातीन हैं, औरतें हैं, हम अल्लाह ताला की बड़ी प्यारी मखलूक हैं। तो इस चीज़ को समझें, अल्लाह ने मुझे कैसा बनाया। जिस दिन आपको अपनी शख्सियत का अंदाज़ा हो गया, जिस दिन आपको ये अंदाज़ा हो गया कि अल्लाह ने मुझे कैसा बनाया है और नेचुरली मेरे अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, और आप उन नेचुरल चीज़ों को जब यूज़ करेंगे तो आप एक प्रोडक्टिव लाइफ गुजारेंगे, ठीक है। फिर आप फ्रस्ट्रेट नहीं होंगे। आज औरत जॉब करके घर से निकल के भी फ्रस्ट्रेटेड है, यकीन जाने। मैं जितनी जॉब होल्डर्स खवातीन से मिलती हूँ, चाहे वो फोर्सेस में हैं, चाहे वो सिविल डॉक्टर्स हैं, जो भी हैं, वो एक ही बात करते हैं कि जो मजा घर की लाइफ में है ना, मैरिड औरत की हाउस वाइफ में, वो जॉब में नहीं है। लिटरली ये मुझे खुद खवातीन कहती हैं। तो बात सारी फिर वही आ जाती है कि हम किसी हाल में खुश नहीं रहते, और जब जॉब करते हैं तो जॉब में खुश नहीं है, जब हाउस वाइफ है तो हाउस वाइफ में खुश नहीं है। तो बात सारी होती है आपकी अपनी अंदर की, कि मैं अंदर से कैसी हूँ। फिर है डार्क एस्पेक्ट्स ऑफ मैरिड लाइफ, द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड सिट्स हैवीली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड, व्हेन आंट इज डेड हर टेरिफाइड हैंड्स विल लाई स्टिल रिंग विद ऑर्डियल शी वाज मास्टर्ड बाय। अब जो है वो कहती है आंट सॉरी एड्रीन रिच के मैसिव वेट वो जो है वो अंकल वेडिंग बैंड का, वो अभी भी आंट जेनिफर के हैंड पे सिट हैवीली है, उसका बर्डन अभी भी उसके हाथ पे है। और जब आंट जेनिफर मर जाती हैं तो उसके टेरिफाइड हैंड्स विल लाई स्टिल रिंग विद ऑर्डियल्स, तो उसके टेरिफाइड हैंड्स आज भी उन ऑर्डियल्स के साथ, उस वेडिंग बैंड के साथ रिंग्ड है। शी वॉज मास्टर्ड बाय आंट जेनिफर टाइगर्स पेंट अ डिसाइडेडली डार्क पोर्ट्रेट ऑफ अ वीमेन women's life in the domestic sphere, patriarchal society, oppression and female helplessness are all dedicated and shattered in this powerful poem. By examining the way Rich uses metaphor to further her purpose, we will unearth the deeper and multi-layered complications of this well-known piece. In the first stanza, we are introduced to the sympathetic protagonist of the poem, Aunt Jennifer. Instead of describing her, however, Rich chooses to establish Aunt Jennifer's ownership of tigers and continues to describe them. The tigers are vivacious and vividly portrayed. The tigers are colorfully described as bright and seeming full of energy. They happily prance across the screen. Aunt Jennifer is described as conducting needlework by a piece of wool. We then realize that this menial domestic task is made difficult by massive weight of wedding ring that Aunt Jennifer is wearing. This is a particularly daunting notion, as usually we think of death as, although tragic in many senses, ultimately our liberator, completely free and fearless of men below them, tiger pays in sleek chivalric certainty. Where the first stanza serves as a medium to explain what tiger represents, the second stanza tells who Aunt Jennifer is. Pehla stanza aapko batata hai ki tigers kya represent karte hain, aur second stanza kya batata hai aapko ki who Aunt Jennifer is, ke Aunt Jennifer kaun hai and what she represent, aur wo kya represent karti hain. So in order to create something to stand up against the patriarchal society in which she lived, Aunt Jennifer decided on masculine creature. Aunt Jennifer and her tigers are in fact polar opposites. Her tigers are everything that she is not and wish to be. Uske tiger har wo cheez hain jo ki wo nahi hain ya wo wish karti hain. In a possibly conscious attempt to live voraciously, vicariously through free and happy beings, rich protagonist Aunt Jennifer has created tiger. However, under the oppressive world that she lives in, even this relatively simple embroidery seems somewhat of a daunting task. For even the ivory needle is hard to pull. However, Aunt Jennifer's oppression is so extreme that not even death will grant her freedom. Aunt Jennifer ki oppression itni extreme hai ki that not even death will grant her freedom. Ki death bhi uski freedom ko grant nahi kar rahi. As the poem unravels, we realize these tigers serve as a sharp contrast to psyche of Aunt Jennifer. In a very bitter, sweet closing couplet, the tigers are described as eternal being, having the freedom to forever go on prancing proud and unafraid. In short, she says that even in the death, she will be oppressed,
by patriarchal society or ringed with the ordeals he was mastered by. Here we begin to really appreciate the juxtaposition between Aunt Jennifer and her tiger, sedentary and listless. Aunt Jennifer represents an oppressed housewife lacking the ability to stand up for herself. Aunt Jennifer represent करती है एक oppressed housewife जो कि उसके अंदर ability नहीं है कि वो अपने लिए खड़ी हो सके. Aunt Jennifer as a symbolic character. Who is Aunt Jennifer? Does she even exist? अच्छी ये जो headings आ रही है ना, ये just आपको समझाने के लिए हैं कि इस paragraph की theme क्या है. आप लोगों ने MA English के papers में headings नहीं देनी, ठीक है? Headings are not allowed in MA English literature. So does she even exist? It has to ask myself these questions before even going further into the poem. The answer opened the door to a deeper meaning behind Aunt Jennifer Tiger. Based on Andrine Bridge's background, I believe Aunt Jennifer did exist. However, Aunt Jennifer was not rich aunt. Aunt Jennifer represented women all over the world, particularly women in America who were caught under the oppressive hand of patriarchal society. Andrine Rich was perhaps one of those women. Rich, one of the most influential poets of her time, deal with controversial issues such as sexuality, race, language, power, and women's culture. Her passion in this area forced her to look and challenge the standard and the norm. The popular cliche that refers to marriage as that old ball and chain takes on the more serious meaning with Rich as she reveals. Through the simple lines of Aunt Jennifer's Tigers are women's struggles with expression, rebellion, and a society where power is defined as masculine. This poem tells of Aunt Jennifer, who is the symbol of feminism in this particular poem. This poem offers an image of power revealed and restrained by domestic arts. This is shown in the case that she is restrained by her husband's wedding band, thus revealing that she, Aunt Jennifer, was expected to be a devoted and domesticated wife. Aunt Jennifer, living her part in a man's world, is forcing her into a role that she does not fit naturally. Aunt Jennifer symbolizes oppressed women, imperialistically dominated nations, and weakness. उसके बाद feminist conflict देख लेते हैं इसके अंदर. According to Deborah Popp, the poem shows a conflict in feminist mind. The fearful, gloomy women waiting inside her darkening room for the emotional and meteorological devastation to hit could be Aunt Jennifer, who is similarly passive and terrified. Overwhelmed by events that eclipsed her small strength, Aunt Jennifer Tiger is, however, an even clearer statement of conflict in women. Specifically between the impulse to freedom and imagination, her tapestry of prancing tigers and the massive weight of the gender roles and expectations signified by uncle's wedding band, although separated through the use of the third person and a different generation, neither Aunt Jennifer in her ignorance nor Rich as a poet recognizes the fundamental implications of division between imagination and duty, power and passivity. Passivity kaise kehte hain? Motionless ho jaana, theek hai? अब यहाँ पे उसने पोएट जो है वो रिकॉग्नाइज करता है फंडामेंटल इम्प्लीकेशंस को, किस चीज की डिवीजन है बिटवीन इमेजिनेशन और ड्यूटी, पावर और पैसिविटी के दरमियान, ऑपरेशन, रिबेलियन एंड इमोर्टैलिटी. अब ये नेक्स्ट थीम हमारी आ रही है. व्हेन आंट इज डेड, हर टेरिफाइड हैंड्स विल लाई स्टिल रिंग विद ऑर्डील्स ही वॉज मास्टर्ड बाय. वो कहती है यहाँ पे कि जब आंट जेनिफर जो है वो डेड हो जाती है, लेकिन उसके टेरिफाइड हैंड्स जो होते हैं, वही डरे हुए हैंड, वो अभी भी उन ऑर्डील्स के साथ, उन शादी वाली रसूमात के साथ या ट्रेडिशनल पैट्रियार्चल सोसाइटी की जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, वो अभी भी बाउंड हैं उसके हैंड्स उसके साथ. वो जो मैसिव बैंड है, अंकल का मैसिव वेडिंग बैंड है, वो आज भी उसके हाथों में है. एंड शी वॉज मास्टर्ड बाय द टाइगर इन द पैनल जी मेड विल गो ऑन प्रिंसिंग. लेकिन वो जो टाइगर्स हैं जो उसने बनाए हैं, वो आज भी आजाद हैं, वो हमेशा आजाद रहेंगे. यानी कि वो खुद तो मर चुकी है और वो खुद उसने सारी उम्र गुलामी की जिंदगी गुजारी, लेकिन वो जो आर्ट फॉर्म में वो जो टाइगर्स बना गई है, वो हमेशा प्रिंसिंग रहेंगे, प्राउड रहेंगे और अनअफ्रेड रहेंगे. अकॉर्डिंग टू थॉमस बी बेयर, रिच ऑन रिमार्क्स ऑन दिस पोएम इन विच वी डेड एवोकन राइटिंग एज रिवीजन our important starting place. She discusses how even in a formal and consciously distanced poem of her early period, she can discover clear
if latent feminist concern. Perhaps most interesting, however, is the fact that the needlework tigers, like Rich Poem itself, are ineffectual as rebellion because the very means of their rebellion are inscribed in the oppressor's language and thus reveal an unhealed split in the psyche of the oppressed. The tigers display in art the values that Aunt Jennifer must repress or replace, displace in life: strength, assertion, fearlessness, fluidity of motion, and the poem conclusion celebrates the animal images as a kind of triumph, transcending the limited condition of their maker's life, accepting the doctrine of ars longa vita brevis. Rich finds in her character's art both persistence and compensation. She sees the creation as immortalizing the hand that made them, despite the contrary force of the oppressing structure of Aunt Jennifer's conventional marriage, as signified by the ring that binds her to her husband. Ab kya hai ki, despite the contrary force of oppressive structure of Aunt Jennifer's conventional marriage, unki ye jo conventional marriage hai, ye jo traditional marriage hai, वो सिग्निफाई होती है बाय द रिंग जो कि बाइंड है, दैट बाइंड्स हर टू हर हस्बैंड, जो कि बाइंड करती है उसको उसके हस्बैंड के साथ. दिस डॉक्ट्राइन इज अटरली कॉन्सोनेंट विद व्हाट वाज अकॉर्डिंग टू रिच अ रिकरेंट थीम इन मच पोएट्री आई रीड इन दोज डेज. द इंडिस्ट्रक्टिबिलिटी ऑफ पोएट्री, द पोएम वॉज एज व्हीकल ऑफ पर्सनल इमोर्टैलिटी. And this more or less explicit connection help shows how deeply implicated Rich herself was in Aunt Jennifer's situation and her achievement, despite the asbestos gloves of her distancing formalist that allowed me to handle materials I could not pick up barehanded. The problem, however, is that the tigers are clearly masculine figures, not only the masculine. Tigers जो है वो clearly masculine figures तो हैं, लेकिन वो masculine नहीं है but heroic figures of one of the most role bound of all the substructures of patriarchy, chivalry. Chivalry किसे कहते हैं? Bravery को, soldiers को, ठीक है, patriarchy, manly. Their chivalric certainty is representation of Aunt Jennifer of her own envisioned past. उनकी जो शिवैलरिक सर्टेनिटी है वो रिप्रेजेंटेशन है आंट जेनिफर की, उसकी ओन एनविजन्ड पार की, बट इट इज एसेंशियली अ सेटरिंग इमेज एट वंस स्टिचिंग अप एंड रीअसर्टिंग द रिफ्ट बिटवीन हर एक्चुअल सोशल स्टेटस एज हर विजन. आंट्स नेम आफ्टर ऑल इकोज द साउंड ऑफ क्वीन जेनिफर. हर प्लेस इन शिवैलरी इज क्लियर. हर टाइगर्स आर only Lancelot's attractive because illicit, but finally seducing her to an other submission to the maid. So long as power can be envisioned only in terms that are culturally determined as masculine, the revolutionary content of the vision, which was all confined to a highly meditated and symbolic plane, is in any case will remain insufficient. Indeed, the fact that the assertion against the patriarchy is here imagined only in terms said by patriarchs may be seen as the poem's version of the tiger's fearful symmetry and the immortal hand or eye. Their symmetry is not Aunt Jennifer's framing her needlework, but patriarchal framing Aunt Jennifer. वो कहते हैं ना कि frame their symmetry. Symmetry कहते हैं कि वो अपनी सिमेट्री को या अपने आप को वो फ्रेम करते हैं, और वो कहते हैं कि ये उसके नीडल वर्क की फ्रेमिंग नहीं है बल्कि ये पेट्रियार्ची की फ्रेमिंग है जो कि आंट जेनिफर करती है. सिंबलिज्म इन आंट जेनिफर टाइगर. सिंबलिज्म जो है, अब देखते हैं कि क्या इसके अंदर सिंबॉलिक मीनिंग है. सिंबल किसे कहते हैं? अपेरेंटली कोई इमेज होता है लेकिन उसके इनसाइड मीनिंग जो है वो बहुत कुछ और होते हैं, ठीक है. अपेरेंटली जैसे हम रेड रोज देखते हैं लेकिन दैट इज द सिंबल ऑफ लव, इसी तरीके से डव को हम कहते हैं, वो वैसे तो एक परिंदा है लेकिन दैट इज द सिंबल ऑफ पीस, ठीक है, डव इज द सिंबल ऑफ द पीस. तो इस तरीके से सिंबलिज्म जो है, देखते हैं आंट जेनिफर के अंदर क्या. द पोएम इज पैक्ड विद सिंबलिज्म फ्रॉम द फर्स्ट टू द लास्ट. इंट्रोडक्शन टू टाइगर्स, हाउ दे आर प्रिंसिंग अक्रॉस अ स्क्रीन, सिंबलाइजेस आंट जेनिफर रोमिंग इन द वर्ल्ड फ्रीली. Although it is telling of a screen she crafted, the tigers are bright to past denizens because they are different in world and are not just plain like everyone else.
This symbolizes Aunt Jennifer's individual thinking and how she is different. The tigers don't fear the men beneath the tree because Aunt Jennifer did not fear men at first and was living as an independent individual with her own mind. The tigers are slowly walking elegantly, showing that they are confident and chivalric gentlemanly. This may show that Aunt Jennifer knows she is fine without having to be married. This is अब वो यहाँ पे कहता है कि टाइगर्स जो हैं वो स्लोली वॉकिंग जेंटली वॉक तो कर रहे हैं लेकिन वो क्या शो कर रहे हैं कि वो कॉन्फिडेंट हैं और शिवैलरिक जेंटलमैनली है और ये भी शो करता है कि आंट जेनिफर क्या जानती हैं कि शी इज फाइन विदाउट हैविंग टू बी मैरिड कि अगर ना करती तो शायद वो खुश रहती. अच्छा, दिस लाइन इज टेलिंग ऑफ आंट जेनिफर फ्लटरिंग थ्रू हर वूंड और ये हमें बताता है आंट जेनिफर की फ्लटरिंग थ्रू हर वूंड. दिस इज जस्ट एन एल्यूजन यूजिंग एन एक्टिविटी शी लाइक्स टू सिंबलिज्म. बेटा अभी जब मैं आपको टेक्स्ट पढ़ा रही थी काफी सारे सिम्बॉलिक मीनिंग्स मैंने आपको वहां पे भी लिखवा दिए थे तो आप वहां से कर लीजिएगा और बाकी यहाँ पे जो है आप